जांजगीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद नफा नुकसान और सौगात को लेकर सियासत तेज हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के जांजगीर आगमन को लेकर बीजेपी सांसद कमला देवी पाटले ने ये कहा है कि पीएम के आने से इसका असर जिले के साथ छत्तीसगढ़ में पड़ेगा और बीजेपी को लाभ मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जय सतनाम कहा, इसका संदेश बहुत अच्छा गया है, क्योंकि ये अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है सबसे ज्यादा, और अनुसूचित जाति के लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हैं। वो विश्वास और भरोसा प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी और देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है और वो जनता महसूस कर रही है। इससे निश्चित रूप से हमें आने वाला समय में, आने वाला चुनाव में इसका लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। ये प्रधानमंत्री जी देश भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका इस तरह का स्तरहीन बात करना कि पंजा एक रुपए में बेचते करके 15 पैसे का काम कराता था, ये सब कोई बातें नहीं है। मैं तो कहता हूँ जिस जगह पे आए हैं, किसान सम्मेलन है, जांजगीर चांपा जिले का एक भी बार नाम नहीं लिया गया उनके द्वारा। मैं तो समझता हूँ ये कुल मिलाकर के ये सब जुमलेबाजी की सरकार चल रही है, उसी को बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन सारी जनता समझ चुकी है और इस कार्यक्रम से उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है।